उत्तर प्रदेश के शहर फिरोजाबाद में हजारों की संख्या में चूड़ी जुड़ाई श्रमिक एवं महिलाओं ने नगर विधायक के आवास का घेराव किया और उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मौके पर एसपी सिटी प्रबल प्रताप एवं सीओ सिटी व सभी थाना अध्यक्ष मौके पर जाकर सभी चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों एवं महिलाओं को समझाया बुझाया और मामला शांत कराया। फिरोजाबाद से सौरा सिंह संवाददाता की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। किस लिए आई हैं आप लोग? ये लिया है हमारे नेता छोड़ चुका है, हमें रेट पूरी मिले 350 की, 14 आदमी लगते हैं। नहीं तो आप विधायक जी के घर पर क्यों आई हैं? विधायक के घर पर यही से आए भाई, भूखन प्यासन मर रहे हैं, कोई काम नहीं खुलवा रहे हैं और जो बंद कर दिया है, जो कमीशन खा रहे हैं। क्या इनके भी कारखाने वगैरह चलते हैं? कारखाने वगैरह मिले हुए हैं, जो कमीशन खा रहे हैं। हाँ चलते हैं, इन लोगों ने कारखाने ये मजदूर यहाँ आपके आवास पे आए हैं क्या? पूरे किस तरह की मांगों को लेकर आज ये सारे जुड़ाई मजदूर आए हैं? देखिए 15 अप्रैल से हड़ताल हुई, हड़ताल को किस तरीके से टैकल किया जाना चाहिए उसमें जिला प्रशासन मेरी निगाह में पूरी तरह से फेल रहा। हड़ताल लंबी खींची, मजदूरों के घर में आज खाने को पैसा नहीं है। मैंने जिलाधिकारी महोदय से कम 10 बार व्यक्तिगत रूप से कहा, सिटी मजिस्ट्रेट से कहा, शासन में भी मेरी बात हुई। समस्या की जड़ में चूड़ी जुड़ाई मजदूरों के वेतन का मेहनताने का मामला है। उनके मेहनताने की कमी को सही प्रकार से काम करने वालों के साथ बैठक करके आकलन करना और कम मेहनताने को सही करके रखना, ये काम जिला प्रशासन का है, श्रम विभाग का है। बार बार कहने के बाद भी ये चीज़ों को एक दूसरे के सिर पर डाला गया। विधायक जी, खास करके जिस तरह से आपके यहाँ धरना दिया है, खासकर क्या मांगे लेकर के आपके यहाँ धरना दिया गया है? धरना नहीं था, मेरे पास समस्या लेने आई थी। मेरा प्रयास था कि इनकी समस्या को जिलाधिकारी तक पहुँचाया जाए और इनकी वार्ता कराई जाए। तो जिलाधिकारी के और इस घर लोगों की समस्या को पहुंचाने में भाजपा विधायक को लगभग 2.5-3 घंटे लग गए। तो लोग थके हुए थे तो बैठ गए, वो बैठ गए तो मैं भी बैठ गया। विधायक जी, मजदूरों का आरोप है कि प्रशासन से मिली बात करके उनके नेता को आपके द्वारा जो भिजवाया गया। नहीं, ये तो मेरे ख्याल से मुझसे किसी ने कहा भी नहीं है, लेकिन अगर कोई आरोप लगाता है तो उसकी बात में भी सत्यता हो सकती है, क्योंकि मैं तो कहूँगा नहीं कि मैंने ऐसा नहीं किया। इसकी तो जांच हो जाए और अगर मैंने ऐसा किया हो तो मुझे पुलिस के सामने डाल के नुचवा दिया जाए। जी, अभी आप कह रहे थे कि पुलिस कह रही नहीं रही है, तो ये क्या मामला, कितने मामला है? नहीं, ऐसा है, कुछ लोगों ने ये कहा था कि पुलिस हमें कुछ कहे नहीं, तो हमने कहा था कि इतनी देर से आप हो तो पुलिस कह तो नहीं है कुछ, यही तो बात है। जिलाधिकारी से आपने 2-3 बार बात की? नहीं, मेरी जिलाधिकारी से बात नहीं, उन्होंने बात भी नहीं करी। मैंने गृह सचिव जी से बात करी, उनके माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट साहब का मिले। विधायक, इतना बड़ा मुद्दा है, इतने लोग एक विधायक के आवास पर बैठे हुए हैं, है ना, तो खबर तो उन्हें लगी जाती है। अगर ऐसा नहीं है कि खबर नहीं लगती हो, सिटी मजिस्ट्रेट आप क्या मानते हैं? जिला प्रशासन की उदासीनता है, इतने बड़े मामले को उदासीनता, उदासीनता कह लें या असंवेदनशीलता कह लें, जो भी कुछ कह रहे हैं। अपनी कमजोरी मान रहे हैं मौके पर नहीं पहुंचे थे इसमें? भाई साहब, देखो, हर एक आदमी का अपना स्वभाव होता है, ये बात ताकत की और कमजोरी की नहीं है। मेन मुद्दा है कि चूड़ी जुड़ाई मजदूरों का वेतन कम है, तो वेतन को पुनरीक्षित करके उसे सही दिलवाया जाए। अब नेक नेक सी बात पे हम अपनी लड़ाइयाँ लड़ने लग जाएं, उनसे इनका क्या भला होगा? क्या हो ही रहा है? कोई समस्या एक है और चीज़ें अलग है भाई। इस समस्या के पीछे हो सकता है मैं हूँ, हो सकता है सपा हो सकता है बसपा हो, कौन हो, ये पब्लिक को डिसाइड किया जाने देना चाहिए। पब्लिक को आपने क्या आश्वासन दे के सिटी मजिस्ट्रेट सामने मेरे द्वारा गृह सचिव जी को बात करी गई, गृह सचिव जी के माध्यम से डीएम को निर्देशित किया गया, तो डीएम साहब के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट ने ये कहा है कल 10:30 बजे उनके कार्यालय में ये 10 लोग जाएंगे और वहाँ अपनी बात रखेंगे। इसमें एक छोटा सा पेच है,
कि पब्लिक जो चुड़ाई सर्वे गए हैं वो प्रशासन पे कतई भरोसा नहीं कर रहे, वो भरोसा आप पे कर रहे हैं, है ना। ऐसे में आपका क्या रोकूंगा आप आगे? जिला प्रशासन को तो नकार दिया उन्होंने, मान ही नहीं रहे उनकी बात। चुनाव आचार संहिता के चलते डीएम का कहना है कि वो जनप्रतिनिधियों से नहीं मिल सकती है। तो कल 20 तारीख है, तो 3 दिन है, 24 तारीख को मैं माऊँ, क्या पता कल बात हो जाए। क्योंकि अभी मैं प्रमुख सचिव श्रम से बात करूँगा, गृह सचिव जी से बात करूँगा, शासन में ऊंचे स्तर पर भी बात करूँगा, मैं अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री तक भी बात को पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन कल इनकी वार्ता होगी, उसके बाद अगर कोई वार्ता में हल नहीं निकलता है तो फिर वार्ता होगी। भाई लड़ाई झगड़ा करने से तो कुछ होना नहीं, और बात टलने से भी कुछ नहीं होना। बात का आमना सामना जिम्मेदार लोगों का होना चाहिए, मेरा जी कहना।